यूपी के हाथरस में गैंगरेप की घटना को लेकर देश में आक्रोश की लहर है। विपक्ष लगातार योगी सरकार पर हमलावर है। शुक्रवार को टीएमसी और सपा के कार्यकर्ता पीड़िता के गांव पहुंच रहे थे, तभी हाथरस थाना इलाके की पुलिस ने मीडिया और जन सेवकों को पीड़िता के परिवार से मिलने से रोक दिया। पहले 1 अक्टूबर को पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे वायनाड से सांसद राहुल गांधी को पुलिस ने रोका। इस दौरान प्रियंका गांधी भी साथ में मौजूद थीं। पुलिस से झुमा झटकी के दौरान राहुल गांधी रोड पर गिर गए थे। 2 अक्टूबर को टीएमसी के सांसद डेरिक ओब्रायन भी पुलिस के साथ धक्का मुक्की में गिर गए। वहीं टीएमसी की महिला नेता ममता ठाकुर ने पुलिस पर बदसलूकी और ब्लाउज पकड़ने का आरोप लगाया। जो दलित परिवार है, जिसके ऊपर जो लड़की को जला दिया, हम उसके पास में जा रहे थे, वो जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन जैसे ही अंदर घुसने के लिए हम कोशिश किया तो पूरा ब्लाउज पकड़ के, वो जो लेडीज पुलिस है और हमारा जो सांसद है प्रतिभा मंडल, ड्रेग दा उसके ऊपर लाठीचार्ज किया और ड्रेग दा तो नीचे गिर ही गए। वही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए आरोपियों को सख्त संदेश दिया कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देकर प्रदेश में उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। वहीं केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले और केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाथरस की घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने हाथरस केस की कड़ी निंदा की। जिस तरह से वो जो डीएम और सबके स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो उससे साबित हो रहा है कि यूपी सरकार कुछ छुपाना चाहती है। उसके परिवार को उसके अंतिम दर्शन तक नहीं करने दिए गए, उसके परिवार से बच्ची को छीन लिया गया। जिस तरह से एक तरफ तो उन वेश्यों ने उसका बलात्कार किया, लेकिन जिस तरह से सत्ता पक्ष ने उसके पूरे परिवार को और उस बच्ची के साथ व्यवहार किया, वो अच्छी बात नहीं है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।